हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम हेल्प। मेरा नाम चेतना है और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, MEG 03 का, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और इसका सब्जेक्ट है ब्रिटिश नावल। ब्रिटिश नावल जिसके पास भी सब्जेक्ट है उनके लिए ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट का PDF मैं आपको शो करूँगी, जिसमें आपके सॉल्व आंसर होंगे, साथ में आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे सॉल्व आपको मिलेंगे। इसके अलावा हम इसके सॉफ्ट कॉपी या फिर आपको हैंड रिटन हार्ड कॉपी भी हम स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाते हैं। अगर आपको उसके सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, या फिर आप हैंड रिटन हार्ड कॉपी का भी जो है हमें ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है आपको, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके जो है अपना सॉफ्ट कॉपी या फिर हैंड रिटन हार्ड कॉपी ले सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इस वीडियो में आपको ब्रिटिश नावल का जो सॉल्व असाइनमेंट PDF है वो दिखा देती हूँ। तो ये आपका PDF है और फ्रंट पेज पे आपका सब्जेक्ट कोड लिखा है MEG 03 ब्रिटिश नावल, और ऑल एग्ज़ाम हेल्प की तरफ से है ये सेशन 2022 और 23 के स्टूडेंट के लिए। जिन्होंने भी 2022 और 23 में अपना एडमिशन लिया उनके लिए ये पूरा असाइनमेंट है। नेक्स्ट पेज से आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपको बता रखा है कि ये असाइनमेंट कितने मार्क्स का है और कैसे, मतलब इनके क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेंगे। तो मैं ये आपके लिए थोड़ा सा बता दूँ आपको कि ये 100 मार्क्स का आपका पूरा असाइनमेंट है। यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम मार्क्स 100, और यहाँ पे लिखा है आंसर ऑल क्वेश्चन इन दिस असाइनमेंट, यानी कि ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और पर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है। तो 5 क्वेश्चन है टोटल और 20 मार्क्स है, यानी कि पूरा 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है ये। नेक्स्ट पेज से आपके आंसर स्टार्ट है। आंसर यहाँ पे भी ये लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, ब्लैक पेन से आप करेंगे ये, उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। तो आप यहाँ से देख लीजिए किस तरह से ये आंसर लिखे हुए हैं। आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं अपने पेजेस में यहीं से, या फिर आप सॉफ्ट कॉपी लेके भी PDF लेके व्हाट्सएप पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये, और ये बॉक्स में आपको दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, बट आपको ये बॉक्स ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर आप लिखेंगे। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर, पांचों क्वेश्चंस थे आपके, पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आपने देख लिए होंगे किस तरह से इनके आंसर्स हैं, किस तरह से एक्सप्लेनेशन है आंसर्स की। तो आपको सेम ऐसे ही करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये आपके लिए आंसर हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए, आपका मीडियम भी कौन सा है आप हमें बता सकते हैं। तो अगर आपको इग्नू से रिलेटिव और कोई हेल्प चाहिए होती है वो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए भी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।